Hello my dear students, welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today we will continue our chapter number 9. In the previous video, we discussed about longitude and latitude and also pole star. Now, today we will continue our next topic, GPS. GPS. GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वी कम टू नो द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस थ्रू मोबाइल फोन एंड गूगल अर्थ। हमारे पास मोबाइल फोन भी है, उसमें गूगल भी है, तो मोबाइल फोन और गूगल के यूज करके हम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की जो लोकेशन है वो हम इजिली देख पाएंगे और समझ भी पाते हैं। द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस मे बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल विच हैव इंटरनेट एक्सेस। कैसे, अभी मोबाइल में तो हमारे पास इंटरनेट है ही, तो इंटरनेट का यूज़ करके हम गूगल में जाके जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की वो देख के हम कौन से लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पे है, कोई भी प्लेस, एनी प्लेस हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैन इजीली बी अंडरस्टैंड विद दिस। नाउ नेक्स्ट है मेजर लॉन्गिट्यूड्स। अभी मेजर लॉन्गिट्यूड कौन सा है, मेजर लेटीट्यूड्स मैंने आपको बताया है ना, तो अभी हम करेंगे मेजर लॉन्गिट्यूड्स। ग्रीनविच मीन टाइम GMT, GMT का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। द 0 degree longitude which passes through Greenwich City of England is called Greenwich Line. England की एक सिटी है, सिटी का नाम है ग्रीनविच, तो जो ग्रीनविच सिटी है वहाँ से 0 degree longitude पास होता है, कौन सा, 0 degree longitude, ठीक है। ग्रीनविच लाइन डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट विच इज नोन एज ए ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ग्रीनविच के यहाँ पे 0 degree लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड्स अप टू 180 degree ई मीन्स ईस्टर्न ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ईस्ट का ई और वेस्ट का डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो डिग्री है वो दोनों के यहाँ पे 180 डिग्री है, क्योंकि जो अर्थ है वो टू इक्वल पार्ट्स में जो 0 degree लॉन्गिट्यूड है उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट सेकंड वाला है इंटरनेशनल डेडलाइन। अभी इंटरनेशनल डेडलाइन, ग्रीनविच को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीनविच में 0 degree लॉन्गिट्यूड आएगा और कहाँ पे है वो, इंग्लैंड में। अभी इंटरनेशनल डेडलाइन 180 degree लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेडलाइन। जहाँ पे 180 degree लॉन्गिट्यूड है ना उसको इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। इट इज जस्ट वन लॉन्गिट्यूड, द डेट एंड टाइम चेंज्ड व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन इट पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। जैसे ही 180 degree लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जस्ट पास होती है तो डेट और टाइम दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। कहाँ से, थ्रू पैसिफिक ओशियन। जैसे ही पैसिफिक ओशियन के थ्रू ये लाइन पास होगी 180 degree लॉन्गिट्यूड, तो डेट और टाइम चेंज होता है। इट इज एग्जैक्टली नॉट एट 180 degree एट द सम प्लेसेस, इट इज इन zigzag फॉर्म। जो 180 degree है वो सम प्लेसेस पे ऐसा एग्जैक्टली 180 degree नहीं लिया हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो zigzag फॉर्म में है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट इफ इट इज ड्रॉन स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉन करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, इट विल क्रॉस सम आइलैंड्स और सम कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच टू डेट्स विल मिक्स अप ऑन द सेम आइलैंड्स। और zigzag फॉर्म में ना हो तो टू डेट्स मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसके लिए zigzag फॉर्म में रखा हुआ है। इन सम प्लेसेस वाइल गोइंग टू अदर साइड ऑफ द आइलैंड्स डेट मे चेंज विच विल क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर आइलैंड में देखें तो कोई साइड पे एक डेट है और अनदर साइड डेट चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए zigzag फॉर्म में रखा हुआ है। द लाइन इज डिवाइडेड रफली,
यहाँ पे एक रफली लाइन डिवाइडेड हुई है. टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ऑफ डेट दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी एंड नॉट द लैंड. कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए जो लाइन है वो सी से बनाई हुई है, सी से ली है, लैंड पे इसका यूज नहीं किया हुआ है. ठीक है, इसके लिए ये zigzag फॉर्म में है, इंटरनेशनल डेट लाइन. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन ब्लैक डैश 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 बने हुए हैं, ब्लैक कलर के डैश डैश बने हुए हैं, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन. देखिए ये अप डाउन होगी, zigzag फॉर्म में बनी हुई है. बीच में देखिए मंडे और संडे लिखा है. जैसे ही ये डेट लाइन चेंज होगी, क्रॉस होगा, वैसे ही डे और टाइम भी चेंज हो जाएगा. और ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन zigzag फॉर्म में है वो लैंड पे नहीं है, नॉट द लैंड. कहाँ पे बनी हुई है? सी के ऊपर बनी हुई है. ठीक है, ऑन द सी, याद रखिएगा. क्यों? कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए. क्लियर? ट्रॉपिक्स मीन्स जोन. अभी जोन के बारे में देखें तो फ्रॉम द गिवन फिगर इट बिकम्स क्लियर दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड जोन. जोन है वो टेम्परेचर, लाइट, हीट, कोल्ड, ये सारी चीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है, उनके बेसिस के ऊपर अर्थ को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में. तो जो टेम्परेचर, लाइट, हीट, कोल्ड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं में जो अर्थ डिवाइड की गई है उसको हम कहेंगे जोन्स. रीजन्स रिसीव्ड मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज ए फॉलो. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जोन्स डिवाइड किए गए हैं टोटल 3 पार्ट्स में, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन का दूसरा नाम है ट्रॉपिकल जोन. टॉरिड जोन में क्या होता है? एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट होती है. टेम्परेट जोन में क्या होता है? मॉडरेट हीट, कोल्ड. हीट और कोल्ड दोनों ठीक ठीक मॉडरेट होते हैं. ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, दोनों सही चलते रहते हैं. अभी फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन का दूसरा नाम है पोलार जोन. वहाँ पे एक्सेसिव कोल्ड, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है. क्लियर इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो मोशन के टाइप्स है वो, लाइक अदर प्लैनेट्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ ऑल्सो. यहाँ पे 2 तरह के मोशन के टाइप्स है जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. चलिए अभी इनको अच्छे से जानते हैं, डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे. फर्स्ट है रोटेशन. एज द टॉप रोटेटर ऑफ द इट्स एक्सिस इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. आपको मैंने कहा था रोटेशन में अपनी खुद के ही प्लेस पे खड़े रह के गोल गोल घूमना, रोटेट, रोटेशन. ठीक है, रोटेट. तो जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है ऑन इट्स एक्सिस. दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन. ये जो सर्कुलर है, जो सर्कल फॉर्म में मोशन होता है, उसको हम कहेंगे डेली मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन. द अर्थ कंप्लीट्स अ साइकल ऑफ 1670 किलोमीटर्स पर आर ऑन इक्वेटर. जो अर्थ है ना, उसको 1670 किलोमीटर पर आर, एक घंटे में 1670 किलोमीटर जितना वो रोटेट होती है, ठीक है, इतना वो कंप्लीट करती है. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस साइकिल. और ये साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. ठीक है, दिस स्पीड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप. और उसकी वजह से ये अर्थ का शेप जो ऑरेंज है ना, वो उसको हेल्प करता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, क्लियर इट? 1670 किलोमीटर पर आवर, और 24 आवर्स में एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में 24 आवर्स 24 घंटे लग जाते हैं. नंबर 2, सेकंड नंबर पे है रिवॉल्यूशन. द अर्थ रिवोल्ट अराउंड द सन. सन के सराउंडिंग, जो सन है उसके अराउंड में अर्थ है वो रिवोल्ट करती रहती है. एज इट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस.
अपनी प्लेस पे वो रोटेट करती रहती है, इट्स एक्सिस खुद की एक्सिस पे वो रोटेट भी होती रहती है और सन के अराउंड वो रिवोल्ट भी होती रहती है, दोनों काम साथ में होते हैं, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 365 डेज, 365 डेज लगते हैं किसके लिए, फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन। सन के आजू बाजू में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस पीरियड एज ए ईयर, और इस पीरियड को हम कहते हैं ईयर, मीन्स अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो एक साल होगा ऐसा, ठीक है। एन इमेजिनरी वे टू द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इन द स्पेस हैज बीन डिटरमाइंड विच इज नोन एज ए ऑर्बिट। जो अर्थ है ना उसकी एक प्लेस रोटेशन की जो प्लेस है ना वो फिक्स है, ये इस वे से ही वो रोटेट करेगी। जो इमेजिनरी वे है, जो एक इमेजिनरी वे है उसको पहले से हमने डिटरमाइन करके रखा है, उस प्लेस को कहते हैं इस प्लेस इज नोन एज ए ऑर्बिट। अलोंग विद दिस द अर्थ डू नॉट मूव इन द सर्कुलर पथ, रादर इट्स मूव इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है ना वो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सर्कुलर पथ में घूमती है, हाँ वो सर्कुलर पथ नहीं है, सर्कुलर जैसा नहीं है, एकदम सर्कल नहीं है, थोड़ा लंबा अंडा होता है ना एग उसके शेप के जैसा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एंड 66.5 डिग्री अलोंग इट्स ऑर्बिट। 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे, खुद की प्लेस पे ही जब वो रोटेट करती है तो 23.5 डिग्री एक्स होता है, और जब 66.5 डिग्री उसके ऑर्बिट पे जब वो रिवॉल्ट करती है तब, ठीक है। ड्यू टू दिस मोमेंट ऑफ अर्थ द सीजन्स अकर्स एंड डे एंड नाइट आर एक्सटेंडेड एंड शॉर्टेंडेड। देखो सीजन्स क्यों होती है, सीजन इसके लिए ही आती है कि अर्थ है वो सन के अराउंडिंग घूमती रहती है, तो इसके लिए सीजन्स होती हैं, ठीक है। और डे और नाइट, कभी दिन छोटा कभी रात बड़ी, ऐसे होता है, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, वो भी उसी की वजह से होता है, ठीक है। अंडरस्टूड।